गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द फ्यूचर ऑफिसर्स। आज की डेट है जून 20 एंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना करंट अफेयर डिस्कशन जो कि द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से हम लिंक करेंगे। तो पहला न्यूज़ आया है हमारे पास, एक एलिफेंट से रिलेटेड। एक फॉसिल का एलिफेंट मिला है, और ये कहाँ मिला है? ये मिला है हमें सहारनपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। इसमें क्या चीज़ मिली है हमें? उसका टीथ का पार्ट मिला है, मतलब उसका हमें जबड़ा मिला है। और ये चीज़ डॉक्टर आर के सहगल, जो कि साइंटिस्ट है वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालय जूलॉजी के, जो कि देहरादून में स्थित है, उन्होंने और डॉक्टर ए सी नंदा ने ये पुख्ता किया है कि ये 5 to 8 million ईयर पुराना हो सकता है। तो इसमें से जो हमारा क्वेश्चन बन के आ सकता है, वो चीज़ पहला ये कि ये फॉसिल कहाँ मिला है। तो कहाँ मिला है? सहारनपुर में मिला है। दूसरी चीज़, जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है वो कहाँ स्थित है? वो देहरादून में स्थित है। तो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने दिल्ली आईआईटी दिल्ली के साथ कोलैबोरेट करके फूड इन्हेंसिंग एक्टिविटीज़ में अपना योगदान दिया है, और फूड सेफ्टी के ऑपरेशंस के लिए भी उन्होंने बातचीत करी है। तो बात करते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक यूएन की एक यूनिट है, जो कि बेसिकली फूड इन्हेंसिंग, फूड क्वालिटी इन्हेंसिंग, इफेक्टिवनेस ऑफ फूड सेफ्टी इन कंट्रीज, उस पर काम करता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम एंड इटली में। एंड फाउंडेड कब हुआ था? 1961 में। इसका हेड कौन है? डेविड बेसले एंड आर्थरिन कजिन। तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है, अगर क्वेश्चन आया तो यही आएगा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अभी किस आईआईटी के साथ कोलैबोरेट किया था। तो आंसर होगा आईआईटी दिल्ली। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम एंड इटली। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है, न्यूजीलैंड में अभी रिसेंटली रग्बी मैच हुआ है, और काफ़ी क्राउड वहाँ पे है। न्यूजीलैंड आप लोगों को तो पता ही होगा कि न्यूजीलैंड ने खुद को कोविड फ्री डिक्लेयर कर दिया है। एंड इसमें से न्यूज़ बन सकती है कि न्यूजीलैंड के कौन से पार्क में, कौन से ग्राउंड में अभी रिसेंटली रग्बी मैच हुआ था। वो है ईडन पार्क, जो कि ऑकलैंड में है। या फिर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ईडन पार्क कौन से सिटी में है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एनजीटी इंस्पेक्ट फुटबॉल ग्राउंड इन केरला। केरला में जो पेरियार टाइगर रिजर्व है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा हमारा प्यारा सा केरला, और यहाँ पे है पेरियार टाइगर रिजर्व, जो कि ये रहा पेरियार नेशनल पार्क में। यहाँ पे एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इन्होंने एक इंस्पेक्ट किया है कि एक फुटबॉल ग्राउंड बन चुका है पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकता है, वो मैप से रिलेटेड हो सकता है कि पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो वो केरला में है, मैप में उसे डिनोट कीजिए। तो इस चीज़ को आप मैप में एक बार देख लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और, एनजीटी जो है वो इंस्पेक्ट करती है जितने भी फॉरेस्ट के कंजर्वेशन रूल हैं, फॉरेस्ट अधिनियम सारे हैं, उनके थ्रू सारे फॉरेस्ट ऑल ओवर इंडिया के ऊपर नज़र एनजीटी ही रखती है। तो आगे बढ़ते हैं, ये तीन न्यूज़ हमारे पास है, छोटी हैं लेकिन काम की न्यूज़ है। उर्जित पटेल जो गवर्नर रह चुके हैं हमारे आरबीआई के, वो एक बार फिर से न्यूज़ में चल रहे हैं। न्यूज़ में क्यों हैं? वो अपॉइंट हो चुके हैं चेयरमैन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए NIPFP के वो चेयरमैन बन चुके हैं। NIPFP क्या चीज़ है? NIPFP एक ऑटोनोमस बॉडी है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ काम करती है, और काफ़ी अलग अदर स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ भी ये काम करती है। और बेसिक काम है इसका, प्लानिंग करती है ये कमीशन, ये प्लानिंग कमीशन है फाइनेंस के रिलेटेड।
तो अभी इसके प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर है इसके रथिन रॉय जी। और अब इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है हमारे उर्जित पटेल जी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया ने अटेंड किया था अभी FATF ग्रुप की मीटिंग, ऑनलाइन जो हुई थी इंडिया ने उसे अटेंड किया था। तो FATF की फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगी, पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट में लिखिए। वैसे मैं बता देता हूँ, FATF की फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो FATF का हेडक्वार्टर जो है कि वो पेरिस में है एंड फ्रांस में है, और इसके प्रेसिडेंट हैं जिनैंग मिंग लियू। FATF के टोटल मेंबर अभी करंटली 39 है, एंड FATF काम क्या करता है ये भी आप कमेंट में लिखिए। ये हमारा बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क फोर्स है, तो इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड होने वाली है। उसकी जितनी टर्मिनोलॉजी है सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। तो जो EAG है, मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग टेररिज्म, ये चीज़ पे FATF काम करता है। EAG जो कि है 9 कंट्रीज से बना हुआ है, वो 9 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इंडिया, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड बेलारस। तो ये चीज़ पूछी जा सकती है कि कौन सी 9 कंट्रीज, इनमें से कौन सी कंट्री EAG का एक पार्ट है, या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया ने रिसेंटली अभी कौन सी मीटिंग ऑनलाइन करी। ये इसके चांसेस कम है, बट 9 कंट्रीज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक्सिस बैंक की तरफ। एक्सिस बैंक में क्या हुआ है? एक्सिस बैंक के जो परले मॉडल थे, उन्होंने क्या चीज ज्वाइन की है? CSB, यानी एक बैंक है कैथोलिक सीरियन बैंक, ये एक इंडियन बैंक है, इसको ज्वाइन किया है। और ये इसके प्रेसिडेंट बन चुके हैं रिटेल, SME, ऑपरेशन एंड IT के। तो इनका नाम याद रख लीजिएगा, पार्ले मॉन्डल, CAPF। UPSC के जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे CAPF की बात कर रहे हैं हम, या SSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं कि कौन चेंज हुआ है, और या फिर किसकी डेथ हुई है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस उसमें आते हैं। तो CSB बैंक की अगर थोड़ी बात कर लें, तो कैथोलिक सीरियन बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर थिसूर में है। थिसूर आपको पता होगा, थिसूर केरला में है, एंड इसके CEO अभी CVR राजेंद्रन है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है पर्सन्स डाइड, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसमें अगर आपने इनका नाम भी सुना हो, विद्या बेन साहा, ये अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, एंड इनको पद्मश्री मिल चुका है। और काफी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने पहला फर्स्ट बाल भवन भी इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था इंडिया में। दूसरी चीज अगर हम देखें, तो ये प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं 1970s में, ये प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर की 1976 से 1979 तक, एंड देन 1985 से 1994 तक। तो इनके अचीवमेंट्स काफ़ी सारे थे, तो इन पे जरूर क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी एंगल से पूछ सकता है वो कि कौन पद्मश्री अभी एक्सपायर हुई है, या विद्या बहन ने कहाँ की प्रेसिडेंट थी, तो कहाँ की प्रेसिडेंट थी? इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर की प्रेसिडेंट थी। दूसरा उनका एक अचीवमेंट काफ़ी बड़ा ये है कि फर्स्ट बाल भवन भी उन्होंने ही स्टैब्लिश किया था। ये प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं दिल्ली गुजारी गुर्जारी समाज की, वो भी 40 साल तक। इनके काफ़ी अचीवमेंट है, ये आर्टिकल आप जरूर एक बार पूरा थॉरली पढ़ लीजिएगा, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं। दूसरा ब्रिटिश एक्टर की बात करते हैं, आयन हॉल, जो कि लॉर्ड ऑफ रिंग आप लोगों ने देखी हो, तो उसमें भी इनकी एक्टिंग थी, इनका एक रोल था उसमें, तो ये भी एक्सपायर हो चुके हैं, सॉरी फॉर माई वर्ड, ये भी पास आउट हो चुके हैं। एंड
बेस्ट स्पेनिश नॉवलिस्ट कार्लोस रुइज जेफोन, ये भी रिसेंटली पास आउट हुए हैं, ये 55 की एज में, एंड ब्रिटिश एक्टर 88 की एज में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है कि द शेडो ऑफ द विंड किसकी बुक है। तो बेस्ट सेलिंग ऑथर कार्लोस रियोजेन जेफोन की बुक है, तो इनकी बुक्स आप याद रख लीजिए। इनकी जो कुछ और बुक्स हैं उनको भी हम ध्यान में रख लेंगे, क्योंकि ये अभी न्यूज़ में है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बन सकता है। दूसरा, जो ये हमारे ब्रिटिश एक्टर थे, इनको टोनी अवार्ड में मिल चुका है फॉर बेस्ट एक्टर एज लेनी इन हार्नोल्ड प्रिंटर्स प्ले, तो ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ बनती है। स्पोर्ट्स सेक्शन की तरफ आते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट ये न्यूज़ में हो सकता है और न्यूज़ में है और क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स ऑनलाइन हेल्ड हुआ था। तो ऑनलाइन हेल्ड हुआ था कैरम फेडरेशन, ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन ने ऑनलाइन इंटरनेशनल कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रही है, जो कि होने वाली है जून 25 को। तो आगे देखते हैं इससे क्या न्यूज़ आती है। इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज के प्लेयर्स पार्ट ले रहे हैं, जैसे US, स्वीडन, श्रीलंका, मालदीव, फ्रांस, मलेशिया, UK, UAE, कनाडा एंड सिंगापुर। तो ये सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये एक ऑनलाइन हो रही है, तो इसलिए ये एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है निकी पोनाचा, जो कि हमारे लॉन टेनिस प्लेयर हैं, वो इलेक्ट हुए हैं ITF के पैनल में। तो ITF के पैनल में 11 मेंबर्स आते हैं, उनमें से एक ये हमारे इंडिया से सेलेक्ट हुए हैं। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF की फुल फॉर्म होती है, और ये मेंस पैनल में इलेक्ट हुए हैं। एंड ये क्या करेंगे, ही विल प्रेजेंट द एशिया ओशन जोन अलोंग विद टी चैन ऑफ चाइनीज ताइपाई। तो ये एशिया ओशन जो इधर वाला जोन है हमारा, उसको रिप्रेजेंट करेंगे चाइनीज टी चैन के साथ। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंटरनेशनल न्यूज़ है। इंटरनेशनल क्वेश्चंस CAPF और वन लाइनर में कम आते हैं, बट अगर हम UPSC, CSE, सिविल सर्विसेज की नज़र से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। अभी रिसेंटली कल ही ये ऑर्गेनाइज हुआ है स्लेवरी, एंड ऑफ स्लेवरी डे जून 19 को सेलिब्रेट हुआ, एंड ये 1865 में कल के ही दिन जब यूनियन जनरल ने प्रोक्लेम्ड किया था कि टेक्सेस, गैल्वेस्टन टेक्सेस स्लेव फ्री हो चुका है, तो इसको एज ए स्लेवरी, एंड ऑफ स्लेवरी के रिस्पेक्ट में याद किया गया कल। ये देख लीजिए, इमेज भी है, पीपल प्रेइंग ड्यूरिंग ए जून 10 इवेंट इन जॉर्जिया, US। तो ये जून 19 को हुआ है, आप इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है चाइना एम्ब्रेस बांग्लादेश इन ट्रेड। चाइना ने बांग्लादेश को गले लगाया ट्रेड में। चाइना आजकल काफ़ी सारा काम कर रहा है, चाइना काफ़ी न्यूज़ में है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली आप चाइना से सारी रिलेटेड न्यूज़ पढ़ रहे होंगे। छोटी छोटी चीज़ें भी चाइना कर रहा है, जैसे एक छोटी सी चीज़ है, चाइना ने क्या किया है, चाइना ने बांग्लादेश को के गुड्स में, जो एक्सपोर्ट गुड्स होते हैं, उसमें टैरिफ में थोड़ी सी छूट दी है। तो चाइना कहता है कि कितना, 97% ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम बांग्लादेश उसने टैरिफ एक्सपेंक्ट सॉरी एक्सेम्पशन दिया है, 97% तक। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश LDCs कंट्रीज में से एक है। LDCs कंट्रीज क्या होती हैं, जो कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होती है, उनमें से बांग्लादेश एक है। तो आज के लिए द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस में इतना ही टॉपिक आया था, बाकी हम कल बात करेंगे, नई वीडियो कल लेके आएंगे, एंड होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। हमारा मेन मोटिव इन वीडियोस को बनाने का ये है कि आप न्यूज़पेपर में से करंट अफेयर, एटलीस्ट जो कि वन लाइनर करंट अफेयर होते हैं,
जो कि पर्सन्स के बारे में होते हैं, रिसेंट चेंजेस के बारे में होते हैं, जो कि एक नॉर्मल सारे एग्जाम्स में आते हैं, जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं, जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं। यूपीएससी तो थोड़ा डीप पूछता है, बट जो अदर एग्जाम्स होते हैं वो छोटी छोटी न्यूज़ पूछते हैं। तो अगर आप डेली एक हैबिट बना पाए अपनी कि एक न्यूज़पेपर में से करंट करंट अफेयर डेली डेली पढ़ लें, तो वो आपके लिए एक अच्छा बैंक बन जाएगा, क्वेश्चन बैंक बन जाएगा। और आप जब मंथली करंट अफेयर बुक परचेज करेंगे तो उसमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस आप पहले ही सॉल्व कर चुके होंगे। आपको एक बार उसे थॉरली रीड करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका वो रिविज़न हो रहा होगा अगर आप डेली न्यूज़पेपर के करंट अफेयर पर फोकस करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।